हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास में एक 13 इंच जिसके अंदर एक सेल फोन की डिस्प्ले। तो आज की वीडियो इसी डिस्प्ले के ऊपर होने वाली है और हम देखने वाले डिस्प्ले को बनाते टाइम डिस्प्ले के अंदर क्या क्या परतें होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये हमें एक पिक्चर दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पता करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको जानने के लिए सिंपली मेरे को इसके पीछे से ये करके परतें हटानी होगी। तो पहले सबसे पहले जो इसमें चमकीली चमकीली परत दिख रही है तो हम इसको हटा लेते हैं इस बारीक पेचकस की सहायता से। देख पा रहे होंगे आप जैसे जैसे ये हटती जा रही है ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये छूट गई, ये अलग हो गई और ये एक फॉइल पेपर जैसा एकदम चमकीला है, अलग अलग रंग वाला है। इसको हम साइड रख देते हैं और उसके बाद में इसका हम सेकंड परत को हटाते हैं। तो सेकंड परत को हटाने के लिए बड़े ही ध्यान से एक ये देखो एक सिंपल सा फाइबर का एक इसमें स्ट्रिप लगी हुई है और उस स्ट्रिप के अंदर गौर से आप देख पाएंगे, शायद मेरे ख्याल में अगर आप गौर से यहाँ पर देख पाएंगे तो गौर से देख पाएंगे आप तो यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे बल्ब लगा रखे हैं जो इसके अंदर जब इसकी रोशनी बल्ब की रोशनी सीधा इसके अंदर जाती है जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले पर रोशनी आती है। और हम इसको बड़े प्यार से ही हटा देंगे तो कुछ इस तरह से ये इसमें से निकल जाएगा, ट्रांसपेरेंट एकदम फाइबर है। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे LED बल्ब। अगर आप देख पा रहे हैं तो शायद इस तरह से देख पाएँ, ये डार्क वाइट की वजह से नहीं दिख पा रहा। चलिए कोई नहीं, मैं इसको दिखाऊंगा बाद में आपको। अब की बार देखिए ये एक वाइट कलर की शीट एक और निकली और इसको भी हम इधर से डिस्चार्ज कर देते हैं और इसके अंदर देखो एक ये पेपर है, पेपर टाइप का एक फिर से ये शीट है, इसमें अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं, यही हम सब साइड में रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बस्ता है और अभी इसके अंदर क्या है ये देखते हैं। इसको छुटाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है दोस्तों, ये थोड़ा चिपका हुआ है और इसको भी हम निकाल देते हैं। इसके निकालने के बाद में ये निकल गया, ये भी एक कार्बन पन्नी है चमकदार। इसको निकालने के बाद हमारे पास में ये एक पूरी डिस्प्ले फाइनली अभी यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और इसको देख के मुझे लगता है कि यही हमारी फाइनल डिस्प्ले है जो पिक्चराइज करती है सब कुछ, जिसके पूरी पूरी कनेक्शन यहाँ से है नीचे की तरफ से। अभी मैंने लो लाइट कर दी है, लो लाइट में शायद अब अच्छे से देख पाएँ। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गौर से देखेंगे तो, हाँ अगर आप लोग यहाँ से गौर से देखेंगे तो अब इसके अंदर सिर्फ कांच और टच है। तो हम इसको निकालेंगे टच को, ये है इसकी टच जो ग्लू से इसके ऊपर ग्लू से ये ग्लू देख रहे हैं आप, ये ग्लू से इसके अंदर चिपकाई हुई है मशीनों के द्वारा। और इसको निकालने का सिंपल तरीका, आप इसको गर्म करें फिर ये इसको अपना आप छोड़ता चला जाएगा, टच डिस्प्ले को छोड़ देगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये टूटा हुआ हिस्सा है तो ये आराम से निकल जा रहा है। तो दोस्तों ये है हमारी रियल डिस्प्ले जो हमें तरह तरह के विजुअल दिखाती है ये, और ये इसके साथ चिपकी हुई थी हमने जिसको छुड़ा दिया है कोशिश करके। ये इसका टच है और ये है इसकी रियल डिस्प्ले, आप देख पा रहे हैं इसके आर पार देख सकते हैं। जो आजकल कुछ टेक्निकल ऐसी तकनीक आई है जिसमें कांच के शीशे में पिक्चराइज करते हैं तो वो कुछ इस तरह से पिक्चराइज करते हैं और उसके आर पार सब चीज़ें नज़र आती है। मतलब इसके अंदर अगर कोई चीज़ होगी डिस्प्ले पे तो अंदर हमें पिक्चराइज भी दिखाई देगा। और ये कांच का ही देखो, ये देखो ये कांच है, ये आप देख सकते हैं ये पूरा कांच का बना हुआ है, बहुत बारीक कांच का है ये। और इसमें भी बारीक बारीक दो तीन कांच की लेयर है बारीक बारीक आपस में, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये। तो ये था हमारा सेल फोन का डिस्प्ले, ये है हमारा टच। तो आपने देखा क्या क्या चीज़ें होती हैं सेलफोन की एक डिस्प्ले में।
इसको बनाने में इतनी तरह की अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और तभी तो वो इतनी महंगी होती हैं। ये सभी परतें इसमें से निकली हैं, इन परतों से जाके ही ये एक सेल फोन की डिस्प्ले बनती है। तो मिलते हैं किसी और नए एक्सपेरिमेंट के साथ में।